Actor Vivek Oberoi's star PM Narendra Modi has been termed as a propaganda film by many for coming out on April 5, a few days before the Lok Sabha elections. When one of the producers of the film, Sandip Ssingh, was asked about it, he said the team of the film is trying to present a true story in an honest manner to the audience. हम फिल्म मेकर हैं, वो दूसरे पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम किया है. और रही बात प्रोपेगेंडा फिल्म की, तो आपने ट्रेलर देख लिया है. अब आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग डिसाइड कीजिएगा जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, कब रिलीज़ होना है, फिल्म कैसे होना है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं. हम फिल्म मेकिंग पे ध्यान दे रहे हैं. हमको ये नहीं देखना है कि कौन क्या बोल रहा है, किसको कहाँ लेटर भेज रहे हैं. हमको सिर्फ ये देखना है कि हम एक सही तरीके से एक सच्ची कहानी को सामने, ऑडियंस के सामने रखते हैं. संदीप जी, अभिषेक शर्मा इंडिया न्यूज से, और आप तीनों सवाल है मेरा कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट देश में लगा हुआ है? देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है क्या? इसके लिए आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली है कि फिल्म रिलीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले दिनों में? क्योंकि अपोजिशन तो इस पे ऊपर मामले ऑब्जेक्शन तो ले ही रहा है, लेकिन क्या आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है, या फिर अगर वो बोलते हैं कि फिल्म को रिलीज मत करो तो आप लोग रोक देंगे? मैंने अभी कहा कि हमने फिल्म बनाने का काम किया है, और आप इतना हमारे फिल्म के लिए कंसर्न है उसके लिए थैंक यू. लेकिन हमने सिर्फ फिल्म बनाया है, अभी आगे क्या होगा वो मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, और आप भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते. तो देखते हैं, अभी तो ट्रेलर रिलीज है, फिल्म रिलीज तक क्या होता है क्या जाने. द फिल्म फीचर्स विवेक आनंद ओबेरॉय एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. द इवेंट वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय द फिल्म्स एक्टर्स सच एज जरीना वहाब, बरखबिश सेन गुप्ता एंड दर्शन कुमार, अलॉन्ग विद द डायरेक्टर उमंग कुमार. सुरेश ओबेरॉय, विवेक फादर, and one of the producers of the film was also present at the trailer launch. Subscribe to our channel, just click on the bell icon for all the latest updates.